हेलो गाइस, आज हम फिर से खेल रहे हैं न्यू स्टेट। और भाई आज के इस मैच में M24 वर्सेस Level 3 हेलमेट। भाई सबसे खतरनाक सीन हो गया था। एक तो आज के इस मैच में अजीब ग्लिच भी हो गया था। तो यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ मेंशन पे, मेरे पीछे बंदा है। तो मैंने बोला भाई मैंने आज तक न्यू स्टेट में ऐसे नहीं, सामने ही बंदे आ जाते हैं। तो मैंने बोला गन दो मेरे को, पहले मेरे को DP मिल जाती है। मैंने बोला कहाँ पे है वो, तो मैं बाहर निकला। वो टूटे फूटे घर में बंदा है। ये इसका कितना माइनस लगाऊंगा, ये पहला बंदा है जो मरा है यहाँ पे। भाई ये एक तो ये वहां पे शो ऑफ कर रहा था मेरे पास, ये कौन सी RP के दिखा रहा था, RP के भी कपड़े दिखा रहा था ये तो, जो बहुत ओल्ड थी। मेरे को भी नहीं मालूम कौन से सीजन की थी। तो यहाँ पे मैं स्कारल उठा लेता हूँ। फिर मैंने छोड़ा, आज DP चलाते हैं। स्कारल तो मैं रोज चलाता हूँ मतलब, लेकिन DP नहीं चलाता हूँ ज्यादातर, TP पाइजन नहीं। और UMP मेन तो मैं कभी नहीं चलाता हूँ। मैंने उजी के अब तक कोई भी सबसे ज़्यादा यूज़ नहीं किया है गन। तो मेरे को लगा अभी और कोई तो दिखाने मेरे को ऊपर, लेकिन भाई इस बंदे को कितना माइनस मिलाऊंगा यार। एक तो नया सीजन आया है, बहुत लोग रैंक पुश करते होंगे यहाँ पे भी। मेरे को फुट सा है यहाँ पे। और भाई इसको भी खत्म कर दिया मैंने। तो इसके पास SLR थी, मेरे को SLR नहीं, मेरे को एक स्नाइपर दो अच्छी। तो यहाँ पे मेरे को 8x मिल जाता है। और ये वही है टूटा फूटा हेलमेट जिसका मैंने लिया था, जिसको मैंने मार दिया पहले। तो मेरे को M24 मिल जाती है भाई। तो यहाँ पे मैं M24 उठा लेता हूँ, और 8x तो मेरे पास था ही। और भाई आर्मर भी मिल गया है, मतलब Level 2 का आर्मर मिल गया है, बैग Level 3 का है मेरे पास। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ इस बिल्डिंग में। मैंने देखा है, मैं अगले मैच में भी शायद मैं यहीं आया था। 8x यहाँ आराम से मिल गया था पिछली बार में, मेरे को थोड़ा ढूंढना पड़ा लेकिन मिल गया था। तो यहाँ पे कचरा फेंकने के बाद मैं एमओ भी ले लिया थोड़ी सी ज़्यादा। देखो दूसरा 8x फुटता है मेरे को यहाँ पे। मेरे पे फायर हुआ और भाई ये बंदा खत्म। मेरे यहाँ तील के 3 किल हो गए थे। तो वही यहाँ मैं हीलिंग ही कर रहा था। क्या है ये बंदा यार, PP पाइजन का नाम लिया और PP पाइजन आ गई। मैंने बोला नहीं आज चलेंगे DP। अगर मेरे को कोई और अच्छी गन मिल जाती है जैसे ड्रॉप में तो मैं लूंगा दूसरी गन। तो मैं दूसरे फ्लोर में जाने लगता हूँ। और भाई हीलिंग्स तो मेरे पास है ही नहीं। तो यहाँ पे मेरा नेट बंद हो गया था, मैं नेट फिक्स किया, बंदा आ गया यहाँ पे तब तक। भाई ऐसे ही क्यों होता है, जब नेट बंद होता है तभी बंदे आ जाते हैं। एक तो अच्छा हुआ मैं मरा नहीं। तो यहाँ पे मैं अपनी एनर्जी फुल कर लेता हूँ पहले तो, और सामने से फायर आ रहा था।
तो मैंने बोला यहाँ पे तो कोई खिड़की नहीं है। तो मैं यहाँ से कूद जाता हूँ पर और देखने लगता हूँ सामने कौन है। तो मैंने बोला यही गाड़ी उठा के चल लो यहाँ से अभी। और भाई यहाँ पे वो ग्लिच होता है, एक तो अपडेट के बाद भी ग्लिच हो रहे हैं अभी। कभी एक्सरे मेरे साथ हो रहा है, एक्सरे विजन हो गया था एक बार तो मेरे साथ। वो वीडियो भी मेरे चैनल पे है। और यहाँ पे भी एक घटिया ग्लिच हो जाता है मेरे साथ। तो यहाँ पे बंदा तो इसको मार दिया मैंने। मेरे पास देखा, मेरे पास कॉइन्स बहुत हो गया अभी, 1700 हो चुके हैं। तो मैंने बोला कुछ ऑर्डर कर लेता हूँ, कुछ अच्छे से शील्ड ऐसी चीज़ें मैं मंगवा लेता हूँ, मेरे को यूज़ पड़े यार। शील्ड तो मैं मंगवाता ही हूँ। तो यहाँ पे मेरे साथ थोड़ा सा नेटवर्क का ग्लिच हुआ। मैंने बोला ठीक है, वाईफाई का कुछ और प्रॉब्लम होगा, वाईफाई सॉरी मैं नेटवर्क बोल रहा हूँ, वाईफाई का कुछ और प्रॉब्लम होगा। तो भाई ये देखो मेरा वाईफाई बंद हो गया। तो मैंने अपना नेटवर्क चालू किया यहाँ पे, और ये कैसा ग्लिच है। और एक तो यहाँ बंदे भी आ गए, तो मैंने मार दिया एक को, थोड़े सीन्स कट करने पड़े मेरे को। तो यहाँ से मेरा नेट सही हो गया, यहाँ से अभी मेरे को प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये ग्लिच कैसे हो गया यार। मैंने मानता हूँ मैंने नेट निकाला था, लेकिन कैसे ये ग्लिच हो सकता है। तो यहाँ पे मैं एक शील्ड और एक अपग्रेड किट मंगवा रहा था। तो मैंने बोला छोड़ो अपग्रेड किट को, एमओ मंगवाओ, एमओ की कमी पड़ेगी। भाई इस ग्लिच को मैं अभी कैसे निकालूं। तो मैं स्मोक पॉइजनस स्मोक ले लेता हूँ और फेंक देता हूँ। अब ये पॉइजनस स्मोक कहाँ इफेक्ट आ रहा है। एक्चुअली यहाँ नेड फट भी गया। तो यहाँ पे मेरे को एमो मिल जाती तो मैंने बोला पैसे वेस्ट कर दिए मैंने। तो मैं बोलता हूँ स्टन ग्रेनेड से हो सकता है शायद। सामने ही बंदा मेरे, तो भाई इसको मैंने मार दिया। ये नेटवर्क मेरे साथ ग्लिच हुआ, यहाँ पे एक गंदा ग्लिच में फंसा। तो यहाँ पे मैं हीलिंग कर लेता हूँ पहले। तो 2 मिनट के बाद तो जोन तो आने वाला है। मैं जोन के बहुत क्लोज हूँ, मतलब थोड़ा सा चलूँगा आ गया मैं जोन के अंदर। तो मैंने बोला भाई अभी इसी ग्लिच के साथ मेरे को गेम प्ले करना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है, अभी ये ग्लिच हुआ है, मेरे को लगा गाड़ी में बैठने से हो जाएगा ठीक। लेकिन भाई ये गाड़ी से बैठने से ना ही, मेरे मरने के बाद ही ये ग्लिच जाएगा। तो सामने बंदा मैंने देखा, और भाई मैं गाड़ी ऑटो पे रख के मैं एनर्जी ड्रिंक मार रहा हूँ। मैंने देखा कोई बंदा MG3 लाइट चला रहा है, मतलब फ्लेयर चली है कहीं। तो एक तो ये सिस्टम समझ में नहीं आता, नीचे क्यों नहीं कर पा रहा हूँ मैं स्क्रीन। अभी एम बंदे के ऊपर एम नहीं कर पा रहा था मैं यहाँ पे। मैंने बोला गाड़ी से उड़ भाई तू। तो भाई मैं पोचिंग किया आ जाता हूँ, और ये ग्लिच अभी तक मेरे साथ है। तो यहाँ पे मैं लूटने लगता हूँ थोड़े बहुत कैश के लिए, मतलब कॉइन्स के लिए। मैं बार बार कैश क्यों बोल रहा हूँ। एक तो ये ग्लिच हटाने के लिए है ना भाई, क्या करूँ वही नहीं समझ आ रहा।
तो मैंने देखा मेरे पास कैश हो चुका है, मैं एक रिवाइव किट मंगवा लेता हूँ और भाई ये भी ले लेता हूँ, मतलब कि कुछ एक कवर, मतलब मेरे पास एक एक चांस हो बस। मेरे को सामने फायर आया, मैंने बोला मेरे पास 10x तो है नहीं जो डीपी में लगा के चलाऊँ। डैमेज दिया इसको, और भाई यहाँ पे घासों की वजह से मैं देख ही नहीं पाया। झाड़ों, एक तो यार ये झाड़ कम करो ट्रीज के, तो मैंने बोला अभी तो वो दिखेंगे नहीं, एक ही आइडिया है मेरे पास, रश कर देते हैं। तो पीछे से बंदा था, ये ओपन में आ गया था, लेकिन मेरे को ही मस्ती थी। तो इसको मार दिया मैंने, और भाई मैं यहाँ रोज़ब की हिल्स के साइड आ जाता हूँ क्योंकि स्कूल में चली है फ्लेयर, और ये वही MG3 लाइट वाला बंदा है, और ये वो लेवल 3 वाला बंदा नहीं है, इसके पास अभी लेवल 3 का आर्मर है, लेकिन ये मारा मेरे हाथों ही से ही है, हाथों से। मैंने बोला एक आइडिया है, वही मैं पुराना टेक्निक जाल बिछा देता हूँ यहाँ पे कि इसको भी ऐसे लगे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है। ये ट्रिक वर्क करी, लेकिन मेरी किस्मत ख़राब थी। और भाई यहाँ पे मेरा बॉक्स आ गया, मेरा पार्सल आ गया, और आ गया ड्रॉप। तो ये बंदे को दो चॉइस है, किसके पास पहले लूटने जाएगा, मेरे को दोनों तरफ ध्यान दे रखना है अभी। तो मैं देख ही रहा हूँ कहाँ आएगा भाई तू, और ये आ जाता है, इसके पास MG3 लाइट है। अरे यार कैसे मिस हो गया, एक तो मैंने पूरा एम सही लगाया, वो हट गया वहां से। तो यहाँ पे एक बुलेट हेड पे लगी, लेकिन उसने आर्मर भी चेंज कर लिया होगा, और जोन आ गया मेरे पे। मैं जोन के अंदर भागता हूँ और वही यहीं रुक जाता हूँ मैं। मेरे लेफ्ट साइड से फायर है, मैंने उसको इग्नोर किया, मैंने बोला ये बंदा फंसा है, अभी तो ये ना ही फ्लैंक कर पाएगा, क्योंकि जहाँ भी जाएगा ये मैं इसको देख लूँगा। मैंने देखा गाड़ी आ गई, और बंदे की घटिया किस्मत है इसकी, ये गाड़ी इलेक्ट्रिक पे चलती है, बिजली पे चलती है, और जोन के अंदर बिजली खराब कम होती जाएंगी। तो मैं इसको फॉलो करते गया, मेरे को मालूम है ये कहीं ना कहीं तो रुकेगा, क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत कम होगी, ये जोन के अंदर था। इसके लिए मैं पेट्रोल वाली गाड़ी लेता हूँ। तो भाई ये रुका, मैंने बोला था यार। तो मैं देखता हूँ कहाँ पे है ये, 1 मिनट के लिए गायब हो गया था भाई, और भाई ये बंदा खत्म, इसने मेरी गाड़ी की स्किन भी उतार दी थी। ये भी अजीब गेम का सिस्टम है, अगर जिसके पास ये स्किन नहीं है, नहीं तो मैंने MG3 लाइट उठाई थी, मैंने बोला अभी देखो 4 अलाइव है, और वो बंदों के पास पता नहीं ऑग होंगी या MK होंगी, इसके लिए मैं भी एक पावरफुल गन उठा लेता हूँ। तो यहाँ मैं हीलिंग करने लगता हूँ, और बंदे DP भी चला रहे थे, एक किल फीड आया था यहाँ पे, मैं पैदल ही निकल जाता हूँ जोन में, और भाई यहाँ पे लेट जाता हूँ। यहीं पे लेवल 3 बंदा मिला, हेलमेट वाला बंदा। तो मैं देखता हूँ भाई ये बंदा तो DP से मार रहा है, मेरी गन में सिर्फ एक ही बुलेट बची है, नहीं तो मैं रीलोडिंग पे चला जाऊँगा। इस पे ऊपर, इसके ऊपर फायर हुआ, ये पैनिक में यहाँ आया, और लेवल 3 हेलमेट टूट गया। तो लास्ट बंदे को मेरी लोकेशन मालूम पड़ गई होंगी, तो मैं जैसे तैसे करते गाड़ी तक पहुंचता हूँ, और उसकी गाड़ी आती है, और भाई यहाँ पे क्या ड्रिफ्ट हो रही थी मेरी गाड़ी की, लास्ट में ड्रिफ्ट मार ली मेरी गाड़ी ने। तो
तो यहाँ पे मैं हिल के साइड चढ़ता हूँ पहले थोड़ा सा, फिर मैंने बोला नहीं वो बैठा होगा वहाँ पे। तो जो लेवल 3 हेलमेट को मैंने मारा था उसको डैमेज मिला था, और डैमेज इसने किया और किल मैंने लिया, तो मैंने उसका किल चोरी किया, तो ये मेरे पीछे पड़ गया है अभी। तो मैं देखने लगता हूँ भाई ये कहाँ है, घास बास में लेटा हुआ है, तो मेरे को दूर जाना पड़ेगा। मेरा रेंडर इस दिन कम होगा, कम रेंडर करेगा मेरे को मिल जाएगा। तो मैं देखने लगता हूँ कहाँ हो, तो मैंने बोला जोन से ही मर जाएंगे ये। मेरे पे फायर हुआ, गाड़ी का फ्यूल देखो कितना है। मैं अटका ना तो भी मेरे को कोई टेंशन नहीं है क्योंकि मेरे पास शील्ड है। यहाँ पे ड्रिफ्ट देखना, ये बंदा नॉक हुआ, गाड़ी गई पीछे, पूरा 360 मार दी गाड़ी ने। और भाई विनर विनर चिकन डिनर। तो गाइस अगर आपको गेम प्ले पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है तो वहाँ पे भी फॉलो कर दो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।